दोस्तों, अगर इस दुनिया के किसी भी इंसान को सिर्फ 7 दिनों के लिए एक छोटे से मेटल बॉक्स में रहने का टास्क दिया जाए, तब वो इसके लिए तुरंत ही मना कर देगा, क्योंकि इस तरह से एक बॉक्स में बिना किसी मूवमेंट के रह पाना लगभग हर किसी के लिए असंभव है। केवल पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर को छोड़कर, जो कि पिछले 70 सालों से न सिर्फ एक मेटल बॉक्स में रह रहे हैं बल्कि इंटरेस्टिंगली एक सक्सेसफुल लॉयर भी हैं। तो चलिए जानते हैं पॉल की इसी अनबिलीवेबल लाइफ स्टोरी के बारे में। इससे पहले कि हम सभी पॉल की कंडीशन के बारे में जाने, हमारे लिए उस पोलियो वायरस के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है जिसने पॉल की जिंदगी को ऐसा बना दिया था। दोस्तों, पोलियो वायरस से होने वाली पोलियो माइलिटिस डिजीज एक जानलेवा बीमारी है जो सीधा इंसान के स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्ट करती है और इसके गंभीर मामलों में इंसान को पैरालिसिस हो जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है और वो अपनी बॉडी को खुद से मूव भी नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, इस बीमारी की सबसे गंभीर स्थिति में तो इंसान को खुद से सांस लेने तक में प्रॉब्लम होती है, जो बताता है कि ये बीमारी कितनी घातक है। पॉल की बॉडी में ये वायरस साल 1952 में एंटर हुआ था और उस वक्त पॉल की उम्र महज 6 साल थी। 1952 ही वो साल था जब US और यूरोप पोलियो के अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि सिर्फ इसी साल में ही अमेरिका में पोलियो के कुल 57,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। हालांकि उस समय भी पोलियो कोई नई बीमारी नहीं थी, क्योंकि पोलियो के सबसे पुराने सबूत एंशिएंट इजिप्ट की मूर्तियों में ही देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक मूर्ति आज से करीब 3,400 साल पुरानी है। वैसे तो 20वीं सदी में साइंस और मेडिकल फील्ड उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, पर 1916 से ही बहुत से साइंटिस्ट ने पोलियो का इलाज खोजना शुरू कर दिया था, पर इसके बावजूद भी कई डिकेड्स तक कोई भी पोलियो का सक्सेसफुल इलाज नहीं खोज सका। पर इसी बीच साल 1928 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हाइजीनिस्ट फिलिप ड्रिंकर और फिजियोलॉजिस्ट लुइस शॉ ने मिलकर एक ऐसी मशीन बना दी जो पोलियो के सबसे गंभीर पेशेंट को न सिर्फ ट्रीट कर सकती थी बल्कि उन्हें तब तक जिंदा रख सकती थी जब तक कि वो रिकवर नहीं हो जाते। शायद ही आपको मालूम हो कि पोलियो की सबसे बेकार कंडीशन में आ जाने के बाद इंसान की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उनके लंग्स तक काम करना बंद कर देते हैं, पर फिलिप और लुइस की मशीन ने काफी हद तक इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया था, क्योंकि ये मशीन पोलियो ग्रसित मरीजों के लंग्स को उनके लिए इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड कर देती थी। सबसे पहले ये मशीन वैक्यूम क्लीनर को यूज करके बनाई गई थी, जो कि इस सील्ड मेटल बॉक्स के बाहर की हवा को तब तक सक करता था जब तक कि उसके अंदर मौजूद पोलियो पेशेंट की चेस्ट कैविटी कम एयर प्रेशर की वजह से वैक्यूम भरने के लिए एक्सपांड ना हो जाए। इसके बाद जब पेशेंट के लंग्स में एयर भर जाती थी, तब इस मशीन में लगा वैक्यूम अपनी इस प्रोसेस को उल्टा करता था, जिससे लंग्स में भरी एयर बाहर निकल जाती थी और पेशेंट सांस ले पाता था। दोस्तों, शुरू में तो इस मशीन का नाम ड्रिंकर रेस्पिरेटर रखा गया, पर बाद में इसका नाम आयरन लंग कर दिया गया। इसके इन्वेंशन के बाद साल 1931 में जॉन हेवन एमर्सन नाम के एक साइंटिस्ट द्वारा इस मशीन में बहुत से इम्प्रूवमेंट्स किए गए, जिससे ये मशीन न सिर्फ और ज्यादा एफिशिएंट बल्कि सस्ती भी हो गई। दोस्तों, आयरन लंग मशीन के बारे में जान लेने के बाद अब हमें दोबारा उस साल में चलना चाहिए जब अमेरिका पोलियो के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। वेल, 1952 में जब हजारों बच्चे पोलियो की वजह से हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, तब उसी दौरान पॉल अलेक्जेंडर टेक्सास में अपने घर के अंदर बारिश में खेल रहे थे। शुरुआत में तो पॉल के साथ सब कुछ नॉर्मल था, पर कुछ ही सेकंड्स में अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद वो भागते हुए अपनी माँ के पास गए और उनसे हेड और नेक पेन की शिकायत की। हालांकि पहले तो पॉल की माँ को लगा कि ये सब बारिश में भीगने की वजह से हुआ है, पर जल्द ही वो समझ गई कि ये पोलियो के अर्ली सिम्टम्स हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाया, जिसने हॉस्पिटल्स में लगने वाली भीड़ को देखते हुए पॉल को घर में ही रखने की सलाह दी। खैर, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि महज 5 दिन में ही पॉल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसके पेरेंट्स अपने फैमिली डॉक्टर की एडवाइस को इग्नोर करके उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां पर पॉल की हालत को देखकर एक डॉक्टर ने अपने हाथ ही खड़े कर दिए, पर जल्द ही दूसरे डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसकी नेक के पास एक कट लगाकर उसके लंग से कफ को निकाला। अगले दिन जब पॉल को होश आया, तब वो बोल तो पा रहा था पर उसकी बॉडी में जरा भी ताकत नहीं थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उसको आयरन लंग में रख दिया। इस तरह से आयरन लंग मशीन में रहते हुए पॉल को लगभग 18 महीने हो गए और उसके साथ एडमिट हुए ज्यादातर बच्चे या तो रिकवर हो गए या उनकी मौत हो गई। लेकिन पॉल की हालत में कोई सुधार नहीं था और वो अब भी मशीन से ही सांस ले रहा था। इस वजह से डॉक्टर्स उसे फ्रॉग ब्रीदिंग सिखा रहे थे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एयर लंग्स तक पहुंच सके। जैसे जैसे वक्त निकलता गया, पॉल ने अपनी मजबूत विल पावर से सिर्फ 8 साल की एज में फ्रॉग ब्रीदिंग में महारत हासिल कर ली, जिसके बाद पॉल ने पहली बार आयरन लंग मशीन के बिना सांस ली। हालांकि इसके बावजूद भी पॉल को मशीन के अंदर ही रहना पड़ता था, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड थी।
आयरन लंग के अंदर इतने समय बिता लेने के बाद पॉल इस मशीन में रहने के अडॉप्ट हो गए। इसको देखते हुए उनके माता पिता ने मशीन के ऊपर एक मिरर लगा दिया, जिससे कि रूम में देखने के लिए उन्हें अपनी गर्दन को मोड़ना ना पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने पॉल के लिए एक स्पेशल स्टिक भी तैयार की, जिससे पॉल अपने मुंह में फंसाकर टॉय से खेला करते थे। इसी तरह से काफी समय गुजार लेने के बाद अब पॉल को समझ में आया कि अब उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन की भी जरूरत है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि महज 21 साल की एज में पॉल अविश्वसनीय तरीके से ऐसे पहले व्यक्ति बन गए जो डलास हाई स्कूल में फिजिकली कोई लेक्चर अटेंड किए बिना ही ग्रेजुएट हो गए थे, वो भी टॉप रैंक पाकर। अपना हाई स्कूल खत्म कर लेने के बाद पॉल ने डलास साउदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, पर यूनिवर्सिटी ने उनके एप्लीकेशन को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो स्टडी करने के लिए बहुत ही ज्यादा डिजेबल है। हालांकि पॉल ने यहाँ भी हार नहीं मानी और वो लगातार यूनिवर्सिटी में जाने के लिए प्रयास करते रहे, जिसके बाद करीब 2 साल बाद उन्हें इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की स्टडी के लिए एडमिशन मिल गया। दोस्तों, देखते ही देखते पॉल ने अपना ट्रांसफर डलास यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में करा लिया। इसके बाद करीब 7 साल बाद यानी कि साल 1978 में वो टेक्सास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए। अब अगर आप सभी सोच रहे हैं कि पॉल का एडुकेशन इतने पर ही रुक गया होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी पॉल नहीं रुके और उन्होंने लॉ की डिग्री लेने का विचार बना लिया, जो कि उस समय सबसे कठिन डिग्री मानी जाती थी। खैर, इसमें भी पॉल सक्सेसफुल हुए और साल 1984 में उन्हें लॉ की डिग्री भी मिल गई, जिसके महज 2 साल बाद उन्होंने लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया, जो साबित करता है कि अगर काम सच्चे मन से किया जाए तो इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, 7 जुलाई 2022 को पॉल को आयरन लंग मशीन में रहते हुए पूरे 70 साल हो जाएंगे और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनकी कहानी आज दुनिया भर में उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है जो थोड़ी सी मुश्किलों से अपने गोल से भटक जाते हैं और हार मान लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।